सिसोदिया दिल्ली की राजनीति के वो शख्स हैं जिन्होंने राजनीति का काकाहारस सीखा तो केजरीवाल के साथ ही तभी तो वो कहते भी सुनाई दे जाते थे कि केजरीवाल मेरे राजनैतिक गुरु हैं लगभग तीन दशकों की पुरानी दोस्ती सिसोदिया के लिए केजरीवाल ठीक वैसे ही थे जैसे द्वापर में दुर्योधन था कर्ण के लिए सिसोदिया ने हमेशा से ही केजरीवाल और उनकी सोच को सर्वोच्च सम्मान भी दिया और केजरीवाल ने भी सिसोदिया को नंबर दो का तमगा दिया और दिल्ली सरकार के सभी महत्वपूर्ण विभाग भी सिसोदिया को ये भरोसा हो चला कि शायद मित्र को भी मेरी अहमियत है तभी तो सारे महत्वपूर्ण विभाग मुझे सौंप दिए लेकिन सिसोदिया को कहाँ ही पता था कि जिस केजरीवाल को वो धर्मपरायण इंसान समझ रहे हैं वही इंसान उन्हें ऐसी मुसीबत में फंसा देंगे कि वो अपनी बीमार पत्नी को छोड़कर जेल में रहेंगे लेकिन ये सच है कि सिसोदिया जेल में है और केजरीवाल बाहर अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं क्योंकि सिसोदिया लाख कोशिश के बाद भी बाहर नहीं आ पा रहे सीबीआई ने अदालत में सिसोदिया की तरफ से पेश एक रिपोर्ट पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और उनकी प्रासंगिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि फिर अदालत ने सिसोदिया को जेल भेज दिया क्या कुछ घटित हुआ आज कोर्ट में बताते हैं आपको दिल्ली के कोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक बार फिर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है इस मामले के खिलाफ मनीष सिसोदिया अब दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करेंगे आबकारी नीति मामले में ईडी ने मनीष सिसोदिया को बीते 9 मार्च को गिरफ्तार किया था कोर्ट में ईडी ने कहा था कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने यह दिखाने के लिए मनगणन ईमेल तैयार किए थे कि नीति को सार्वजनिक स्वीकृति यानी जनता की सहमति मिली थी कोर्ट में ईडी ने कहा कि दरअसल जनता से जो राय ली गई थी वो जाली थी आपको बता दें केजरीवाल सरकार महत्वपूर्ण नीति या कोई बड़ा कदम उठाने से पहले जनता से राय मांगती है इसके लिए अरविंद केजरीवाल ई और टोल फ्री नंबर जारी करते हैं आपको बता दें इससे पहले अदालत ने सी के मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को